हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दवा ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम आपको एक कफ सिरप के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसके कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो इसमें ईच 5 ml के हिसाब से जो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है वहाँ है 15 mg पर, दूसरा है ग्वाइफेंसिन जो कि है 50 mg पर, तीसरा है टर्बुटालिन सल्फेट जो कि 1.25 mg पर रहेगा। यहाँ पूरा 100 ml का एक पैक आता है जिसका प्रिंट रेट है मात्र 32 रुपये, 32 रुपीज़ में यहाँ दवा आपको भारतीय जनौषधि केंद्र पर उपलब्ध हो जाती है। इस सिरप के अगर हम फायदे जाने तो यहाँ एक काफ़ी प्रभावशाली कफ सिरप है जिसका इस्तेमाल खांसी को रोकने के लिए किया जाता है। सबसे प्रमुख इस्तेमाल जो इसका होता है वो है खांसी के साथ बलगम आने की समस्या में। वहीं कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक स्मोकिंग करता हो जिसकी वजह से बलगम जमा हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी परेशानी में इसे जो है देने पर बहुत ही जल्द रिलीफ मिल जाता है। एक लंग से जुड़ी परेशानी होती है जिसका नाम है COPD, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी कहते हैं, जिसमें खांसी बहुत अधिक आती है, तब भी इसे देने पर जल्द ही रिलीफ मिल जाता है। साथ ही ब्रोंकियल अस्थमा की दिक्कत में इसे दिया जा सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि यहाँ जो मेडिसिन है किस तरह से वर्क करती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इस मेडिसिन में मेनली 3 कंटेंट को मिलाया गया है। पहला है एम्ब्रोक्सोल जो कि बलगम को पतला कर देता है जिसकी वजह से वहाँ आसानी से बाहर आ जाता है। दूसरा है ग्वाइफेंसिन जो कि म्यूकस के चिपचिपेपन को कम कर देता है और वायु मार्ग को साफ कर देता है। और तीसरा है टर्बुटालिन जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि क्या काम करता है, हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है और वायु मार्ग को चौड़ा कर देता है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। डोज भी इसके हम जान लेते हैं तो इसे अडल्ट में बड़ों में 10 ml सुबह और 10 ml शाम को लेने की सलाह दी जाती है, और बच्चे जो 7 साल से ऊपर हैं उन्हें 5-5 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। बाकी जो डोसेज हैं टोटली डिपेंड करते हैं एज, वेट और कंडीशन के ऊपर ही। इसके अगर हम साइड इफेक्ट जाने तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ व्यक्तियों में नौसिया, उल्टी, स्टमक अपसेट की समस्या होना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना या स्किन रैश की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि सभी को नहीं होती है, कुछ माइनर कंडीशन में ही हो सकता है। पहले से अगर आपकी किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही हो तो आप डॉक्टर को सूचित जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो दवाएं अन्य दवाओं के साथ में इंट्रेक्शन ना कर पाए। तो दोस्तों, इसे लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की जो है सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रत्येक व्यक्ति की जो है कंडीशन अलग अलग हो सकती है। बाकी इसे लेने से पहले आप इस तरह से अच्छे तरह से चेक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इसी तरह रोजाना दवाइयों से जुड़ी जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल दवा ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूं अपनी नए वीडियो पर। जय हिंद।